Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So कल night में ESIC UDC का result out हो गया and जिन लोगों का हो गया है तो उनको मेरी तरफ से many congratulations and 15 दिन ही बचे हैं आपके पास mains के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं 30 अप्रैल को उसका mains है, तो उस हिसाब से टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड जो सबसे डरावना सेक्शन आ रहा है आजकल वो है हमारा करंट अफेयर का, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. एंड इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन वगैरह भी रहेगा, इंश्योरेंस वगैरह, तो उसको भी बहुत अच्छे से कवर करना है करंट अफेयर के साथ साथ, तो उसको भी अच्छे से कीजिएगा. सो एंड रही बात मेरे रिजल्ट की, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया मेरा. बहुत श्योर थी मैं हो जाएगा, अटेम्प्ट्स भी बहुत अच्छे थे एंड बहुत अच्छी जगह से फेल भी किया था, बट स्टिल कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि नहीं हुआ. तो इट्स ओके. एनीवे जिन लोगों का हुआ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा. एंड जिन लोगों ने ECGCPO का फॉर्म फिल किया, जो लोग उसे टारगेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को, तो ऑलिव बोर्ड पे एक ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, ECGCPO के कोर्स का. और ये ऑफ़र 12 से लेके 14 अप्रैल तक था, तो मैं 2 दिन बता नहीं पाई उसके लिए, सॉरी, ठीक है. बट आज इसका लास्ट डे है, ठीक है. जो लोग चाहते हैं परचेज़ करना तो परचेज़ कर सकते हैं. इसमें सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ आपकी क्लासेस भी हैं, 350+ लाइव क्लासेस भी हैं आपके, उसके साथ साथ आपकी 20+ लाइव क्लासेस हैं जनरल अवेयरनेस एंड जो उसकी बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस की. एंड इसमें 175+, ठीक है, मॉक टेस्ट भी हैं, जो कि टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हमारे जो भी जिस टाइप के भी टेस्ट होते हैं सारे इसमें ECGCPO को लेके सारे टेस्ट हैं इसमें, ठीक है. एंड लाइव सेशंस भी हैं, जो लाइव होते हैं उसके आपके एनालिसिस पार्ट के. तो आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं. अभी 60% का ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, जिसका प्राइस आप कहें तो कोर्स का 999 है. आज के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1500 के आसपास, यानी कि 1499. तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए जिन लोगों का मीन्स लगा है, एंड जिन लोगों के आगे जो भी एग्जाम्स है उसको अच्छे से टारगेट कीजिए, ठीक है. थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे. एंड यस, रही आज के टू डू लिस्ट की बात, तो जिनका भाई मेंस है तो बहुत अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कीजिए. करंट बहुत अच्छे से आपको करना है, बाकी टेस्ट मेंस का देते रहिए, ठीक है. क्योंकि रीजनिंग कॉन्ट इंग्लिश में तो आपको पता है ये प्रैक्टिस की नीड है, आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने जीए नहीं किया होगा, तो उसको जितने बार आप रिवीजन कर सकते हैं उसका अच्छे से कीजिएगा, ठीक है. एंड टू डू लिस्ट में आप हमने यही कर सकते हैं, ठीक है, मेंस का टेस्ट एंड आपका ये जनरल में सेक्शन, ठीक है. मुझे तो नई टू डू अपनी एक प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मेंस नहीं है, ठीक है, तो मेरा एग्जाम है नहीं, इस हिसाब से मेंस एंड प्री दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है. तो आज की टू डू लिस्ट इसलिए मैं नहीं बनाई, बाकी आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से अपनी खुद की टू डू लिस्ट क्रिएट करके, ठीक है. थैंक यू एवरीबॉडी.